ओके जी, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, वर्ड प्रोसेसर. ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग. इट इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म का इट इज लास्ट चैप्टर. ओके, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टू प्रोसेस द डेटा. ठीक है, टू प्रोसेस द वर्ड. ठीक है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ठीक है, डिलीटिंग. ओके, ऑल इज इंक्लूडिंग इन द वर्ड प्रोसेसिंग. द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. देर आर डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. ओके, इट इज द सूट ऑफ और एलिमेंट ऑफ द एमएस ऑफिस. ठीक है, एमएस ऑफिस प्रोवाइड अस डिफरेंट प्रोग्राम्स. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड मैनी अदर्स. टूडे वी विल डिस्कस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, सो वट इज द वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू एडिट, राइटिंग और फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट. ओके, इट इज मोस्टली यूज इन द ऑफिसेस. ओके, so its name is Microsoft Office and it is a part of the Microsoft Office, right? The famous word processing program is MS Word. Okay, this is its logo. देखिए ये इसका logo है. ठीक है, इस तरह का logo होता है, W लिखा होता है उसके ऊपर, right? आप इस पर क्लिक करोगे then file open हो जाएगा. Most of you are familiar with this. ठीक है, बहुत से बच्चे इसके साथ familiar होंगे, ओपन करते होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा थॉरो स्टडी करेंगे. ठीक है, इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे कि वो कैसे वर्किंग करते हैं, राइट? तो वर्ड प्रोसेसर में हम जो वर्ड प्रोसेसिंग का फेमस प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे आज. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक पार्ट है, एलिमेंट है. ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम प्रोवाइड करता है. एमएस एक्सेल है, एमएस फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो टुडे वी विल स्टडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टडी करेंगे. ठीक है, विच इज अ विच इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. लुक इट्स विंडो. देखें आप इसकी विंडो पे देखें तो ये आपकी एक इसकी कंप्लीट विंडो है. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो आपके कॉर्नर मोस्ट पे है लेफ्ट साइड पे, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, यहां पे आपके पास जो है डिफरेंट आइकन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देन वी हैव अ टाइटल बार. ठीक है, ये जो फ्रंट पे होती है दिस इज टाइटल बार. टाइटल बार के ऊपर क्या होता है, आपका नेम आ रहा होता है. ठीक है, चलिए साथ साथ मैं आपको ओपन करके भी दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, सो डेट कि आपके लिए इजी हो जाए. ये देखिए, मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए वर्ड का आइकन बना हुआ है. ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, एक तो ये होता है कि वर्ड के डिफरेंट पैटर्न मौजूद होते हैं. ठीक है, बिल्टिंग, उनमें से कोई आप उठा सकते हैं. ठीक है, क्लिक कर सकते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं. कौन सा लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट. देखिए जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहां पर यूज किया तो दिस वन इज द क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक, दिस वन इज द क्विक एक्सेस टूल बार. अच्छा, देन वी हैव अ टाइटल बार. देखें टाइटल बार क्या है, टाइटल बार पे फाइल का नेम आ रहा होता है. जो भी आपने नेम लिखा होता है ना फाइल का, रखा होता है, वो अपेयर हो रहा होता है, नेम ऑफ द फाइल. ठीक है, तो आप यहां देखें अभी इसका नेम क्या आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट वन, बिकॉज के मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ. अगर लेट्स से कि मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है, या मैं कोई सेव फाइल ओपन कर लेता हूं. ठीक है ना, चलिए कोई सेव फाइल ओपन कर लेते हैं. ये जैसे स्टूडेंट के नेम से है. ठीक है,
अब आप देखिए, यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट, ठीक है, नेम ऑफ द फाइल, दिस रेड इज द टाइटल बार, दिस वन इज द टाइटल बार, और इसके ऊपर आपका स्टूडेंट का नेम आ रहा है, ओके। देन वी हैव अ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अप और डाउन, तो दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल मीन्स कि ये स्लाइड कर सकता है अप एंड डाउन, तो ये देखें, ये आपका स्क्रॉल बार, ठीक है, ये अप एंड डाउन मूव करवा रहा है ना, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, ओके। तो ये भी हो गया, देन मिनिमाइज एंड रीस्टोर एंड क्लोज बटन, तो ये तो हर एक में होते हैं, दिस वन इज द मिनिमाइज, इस प्रोग्राम का मिनिमाइज बटन है, ठीक है, ये रीस्टोर, आपका रीस्टोर मीन के जहां जिस तरह जितने साइज की विंडो आपने क्लोज की थी उतने ही साइज की विंडो रीओपन हो जाएगी, एंड दिस वन इज द क्लोज, क्लोज करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। मिनिमाइज देखें, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये चले मैं वर्ड में जाके कर देता हूं, ये मिनिमाइज हो गई, ठीक है, फिर मैं क्लिक करता हूं, ये ओपन हो गई। अब देखें, मैं इसको रिस्टोर करता हूं, तो ये देखें, ये जो इसकी अपनी डिफॉल्ट फॉर्म है उसके अंदर आ गई, ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको। अब मैं दोबारा इसको उसी पोजीशन में ले जाता हूं, ठीक, ये रिस्टोर हो गया, और क्लोज सिंपल है, क्लोज तो आप प्रोग्राम करते रहते हैं, अगर इफ यू क्लिक ऑन क्लोज तो ये फिर क्लोज हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। देन वी हैव अ स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार इज लाइज एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहां पर है ये स्टेटस बार, ठीक है, इट्स कंप्लीट स्टेटस बार, ये सारी स्टेटस बार है, ठीक है ना, तो यहां पर देखें आपको स्टेटस बार नजर आएगा, ठीक है ना, प्रोग्राम के अंदर ये दिस वन, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज, तो स्टेटस बार के ऊपर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, राइट। यहां देखें पेज वन ऑफ वन, पेज नंबर वन ओपन है, वर्ड इसके ऊपर अभी कोई राइटिंग नहीं हुआ, देखें जैसे ही मैं इस पे वर्ड लिखूंगा, ठीक है, सी ओवर हियर, देखें मैंने लिखा अली, तो यहां पर आप देखें, यू कैन सी ओवर हियर कि ये एक वर्ड हो गया, ठीक है, अली इज माय फ्रेंड, तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये देखें फोर वर्ड यहां पर, फोर वर्ड, तो ये जो स्टेटस बार है आपकी, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द करंट पेज, करंट पेज के बारे में चीजें आपको बताती है। अब लेट्स से अगर ये डॉक्यूमेंट्स बड़ा होता, ठीक है, देन नंबर ऑफ पेजेस जो है इंक्रीज होकर, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं नंबर ऑफ पेजेस को, देखिए यू कैन सी कि अब ये कितने पेज, सेवन, सेवन ऑफ सेवन, तो सेवन पेजेस पे ये, मैं नाउ आई एम ऑन पेज सेवन, मुझे पता चल जाएगा मैं किस पेज के ऊपर हूं। अगर लेट्स से इसमें 100 भी पेजेस होंगे तो यहां पर 100 लिखा आ जाएगा। सेवन ऑफ सेवन का मीन क्या है, ऑफ सेवन मीन्स कि टोटल जो है देयर इज सेवन पेज और वी आर ऑन द सेवन नंबर पेज। अगर हम पेज नंबर किसी और पे चले जाते, ठीक है, ये देखिए, नाउ आई एम पेज नंबर 3 of 7, टोटल 7 एंड आई एम ऑन पेज नंबर 3, मैं पेज नंबर 3 पे हूं। सो सेम वे में फिर ये आपको बताता है, लेट्स से कि आप कोई मिस्टेक करते हैं, ठीक है, अब मैं जैसे लिख देता हूं, अब ये मैंने स्टूडेंट के रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिए, ठीक है, आई रोट रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो जब आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आप कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए उसने निकाल के दे दिया आपको दिस इज, तो वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि क्या आप स्टेटमेंट राइट लिखना चाहते थे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज करेंगे स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक, इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर सकते हैं, और ऑल्सो यू कैन करेक्ट इट, तो डिपेंड आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो यहां स्टेटस बार पे देखें, ठीक है, स्टेटस बार में आपको पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे हैं, आप लिखते जाएंगे ये काउंट करता जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि 17 वर्ड लिख दिए, लिखे तो रॉन्ग है बट इसमें काउंट करता जा रहा है, ठीक है। Then we have zoom in and zoom out bar. Okay, this is also present on the status bar. ठीक है, downward नीचे मौजूद होती है, ठीक है, below of the document. तो आप इससे zoom in, zoom out कर सकते हैं। ये देखें, ये इसके plus और minus के button बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको plus करूँ, it is on 100%. Normally हम 100% या 90-80% पे रखते हैं, ठीक है। But sometime text छोटा हो, या आप एडिटिंग करना चाहते हो, या क्लोजअप करना चाहते हो, या किसी को आई साइट का प्रॉब्लम हो, देन यू कैन इंक्रीज इट, ठीक है। तो आप जितना चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अली इज माय फ्रेंड, देखिए इट इज ऑन 300%, ठीक है, ये परसेंट आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, जूम इसका इंक्रीज हो गया। जब हम क्रीप करते हैं, क्लोजअप करते हैं, दिस इज जूम इन, ओके, दिस इज zoom in, ठीक, उसको क्लोज अप कर रहे हैं। और लेट से कि हम इसको लेस करते हैं, कम करते हैं, देन इट इज जूम आउट, इसको माइनस कर दें, दिस इज जूम आउट। अब ये देखें, मैं इसको मूव कर रहा हूं फ्रॉम हॉरिजेंटल बार, राइट, वर्टिकल बार तो हमने देखी थी ना, ये वाली वर्टिकल बार थी एट दिस साइड, एंड दिस इज हॉरिजेंटल बार। हॉरिजेंटल बार क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल बार इज यूज फॉर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो हम इसके थ्रू अप एंड डाउन करते हैं, एंड थ्रू हॉरिजॉन्टल बार वी मूव लेफ्ट एंड राइट, तो जूम इन एंड जूम आउट। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, हाँ, देन वी हैव अ रिबन, चले वो आगे देखते हैं। ये देखें क्विक एक्सेस टूल बार, ओके, क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ वर्ल्ड विंडो, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, टॉप लेफ्ट पे होती है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज टॉप। तो ये जो सारी है आपकी, ये चारों आइकन्स जो है, दिस इज ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। It is on top left. It provide easy access to commonly used save, undo and redo commands. ठीक है, ज्यादातर जो आपके कॉमन यूज होती है कमांड्स, वो यहां पर प्रेजेंट होती है। इफ द यूजर क्लिक द डाउन एरो एट द राइट साइड, वर्ड विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन क्विकली एडिट और रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब आप देखें, इस पर क्लिक करेंगे यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, तो आपको ये डिफरेंट मेन्यू नजर आ जाएगा, और ये सारा आपकी इसके मेन्यू में जो जो फंक्शंस हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, डिपेंड करता है ये कि आपके पास कौन सा वो है, वर्जन है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ऑफिस 2010 का है, ठीक है। तो ये वाली देखिए, उसने ये वाला बताया आपको, If a user click down arrow at the right side, ये वाला arrow, ठीक है, इस पर क्लिक करेगा तो फर्दर जो है फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक। यहां पर अगर आप किसी बटन को एड करना चाहते हो, यू कैन एड इट क्विक एक्सेस टूल बार में, जो आपके नॉर्मली यूज होते हैं। लेट से कि आप सेफ का बटन इधर नहीं एड करना चाहते, ठीक है, आप यू कैन अनचेक इट, इसको अनचेक कर दें, ये देखें यहां से खत्म हो गया, ठीक है, अब शो नहीं हो रहा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, क्लिक ऑन इन, ठीक है, अब देखें ये आ गया। इसी तरह अगर आप कोई और चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से कि टेबल ड्रॉ करने के लिए आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये बटन दे दें, ठीक है, यू कैन ड्रॉ टेबल वेरी इजीली, फॉरन कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप इंसर्ट में जाए, देन टेबल को चूज करें, ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्ट, मतलब ये शॉर्टकट कमांड्स बन जाती है, ओके, राइट।
then we have a ribbon. ठीक है, रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार ऑफ अ वर्ड विंडो. ठीक है ना, रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स एज शोन. इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कमांड्स दैट आर परफॉर्म व्हाइल वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टैब्स इन द रिबन. ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ टैब्स होते हैं इन अ रिबन, फाइल, होम एंड पेज. देखिए रिबन में आपको उधर भी दिखा देता हूं अभी. दिस वन इज अ रिबन. ठीक है, ये एक रिबन है, इसके ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं. ये उसमें कितने कहे थे, 9, 1, 2, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, रेफरेंसेस, मेलिंग, ठीक, इस तरह के डिफरेंट आपके पास है. ठीक है, ये फाइल भी इसके अंदर आ जाते हैं. देन आप देखें यहां पर ये रिबन आप चेक करें. ठीक है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 टैब हैं और इनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं. अब देखें इस वक्त मैं होम में हूं. होम के अंदर कौन से ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फाउंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स. ठीक है, फिर एडिटिंग की और एडोब एक्रोबैट. तो फिर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम अकॉर्डिंग टू डेट जो है उस रिबन के ग्रुप पे वर्किंग कर लेते हैं. अगर फाउंट है तो फाउंट के रिलेटेड सारी चीजें होंगी. फाउंट साइज क्या होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अगर ये देने हो, कलर करना हो. ठीक है, जैसे अब ये अली लिखा हुआ है, अली इज माई फ्रेंड, अगर मैं इसको रेड कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा. तो फाउंट से रिलेटेड जितना होगा, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, स्पेस कितना रखना है, मार्जिन कितने रखना है, लॉट्स ऑफ थिंग. अब मैं होम के टैब में हूं, देन मैं इंसर्ट के टैब में चला जाऊं. ठीक है, जब मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा तो फिर इंसर्ट इस जो रिबन का दूसरा टैब है, ठीक है, ये कंप्लीट रिबन है. ठीक है, एंड इट इज ऑन सेकंड नंबर. तो ये जो कंप्लीट रिबन है इंसर्ट, इसके ऊपर ये सेकंड नंबर पे है. इसमें जो आपके ग्रुप्स हैं वो पेजेस, पेज है, टेबल है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, ऐप है, कमांड है, इस तरह डिफरेंट. इसी तरह मैं अगले ग्रुप्स में भी जा सकता हूं. ठीक है, जो यहां पर उसने शो किए हुए, ये सारे शो किए हुए. ठीक है, देखिए ये एक टैप है. होम जो है, होम इज अ टैप. उसके अंदर फिर कौन से ग्रुप में चीजें हैं, क्लिपबोर्ड है उसके अंदर, फाउंट है, ठीक है, पैराग्राफ है, और भी अगर कोई होगा तो वो यहां से फिर नजर आएगा. फिर ये इसका सेकंड टैब है, ये भी टैब है. ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके फंक्शन, इंसर्ट का अभी देखें, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के फंक्शन नजर आना शुरू हो गए. ठीक है, डिजाइन पे क्लिक करूंगा, डिजाइन के टैब पे क्लिक करूंगा तो डिजाइन के ग्रुप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे. इसी तरह देन पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर कौन से ग्रुप है, पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज. ओके, तो इस तरह ये आपका रिबन वर्किंग करता है. ठीक है, अभी मैंने आपको बार बार समझा दिया कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है, देन हमारे पास टाइटल बार होती है. ठीक है, देन वी हैव अ रिबन, देन वी हैव अ स्टेटस बार. ठीक है, एंड जूम इन, जूम आउट बार. और ये तो ऑब्वियसली ये जो डॉक्यूमेंट है व्हाइट, शुरू में जो आपको नजर आता है, दिस इज व ब्लैक ब्लैंक डॉक्यूमेंट. शुरू में जब हम ओपन करते हैं, जैसे मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया था ना, अभी मैं फाइल अगर न्यू करूं तो ये जो ओपन होगा, दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ठीक है, लेकिन अभी हम इस पर वर्क नहीं कर रहे. ठीक है, हम इसी विंडो पर वर्क नहीं कर रहे. होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा. ठीक है, देन वी हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार. ये भी आपने देख लिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड एट द राइट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. इट इज यूज टू स्क्रॉल डाउन और अप डाउन डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, दिस वन, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार. स्क्रॉलिंग कर सकती है ना ये, एंड एट वर्टिकल, अप एंड डाउन. ठीक है, ये सब आपने प्रैक्टिस करना है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, देन हॉरिजॉन्टल अपीयर्स ऑटोमेटिकली एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हेन डॉक्यूमेंट्स इज टू वाइड टू फिट द डॉक्यूमेंट. ठीक है,
जो अभी देखें ये वर्टिकल बार हॉरिजेंटल बार अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, बट क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट जो है इतना बड़ा नहीं है कि उसको वर्टिकल हॉरिजेंटली हमें मूव करना पड़े, स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ रहा है। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट आ रहा है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है। वर्टिकल तो पूरा नहीं आ रहा था, वर्टिकल में तो डिफरेंट पेजेस थे इसलिए वो मूव कर रहा था, हॉरिजेंटल में है। हाँ अगर मैं इसका जूम बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब देखें जैसे जूम आउट हुआ है पेज जो है पेज की विथ जो है वो बढ़ गई, सो दैट यहां पर आप देखें कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बार आपको शो ऑफ होना शुरू हो। ठीक है, स्टेटस बार अभी हमने डिस्कस किया है, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो अबव द विंडोज टास्क बार, इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट सच एज करंट पेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड कंट्रोल व्यूइंग द डॉक्यूमेंट डिफरेंट लेआउट, द राइट एज ऑफ द बार प्रेजेंट जूम इन एंड जूम आउट, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस वन, ये देखिए जूम इन एंड जूम आउट, ये जूम आउट हो रहा है, जूम आउट मीन्स कि हम इसको कम करते जा रहे हैं, एंड जूम इन इसको क्रीच से फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जूम इसका बड़ा करते जा रहे हैं, राइट। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, अब आपकी इसकी कंप्लीट स्क्रीन आपके लिए क्लियर हो गई है। ओके, कि एक दफा वर्ड में मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूं, वर्ड प्रोसेसर आप दी प्रोग्राम विच इज यूज विच यूज फॉर एडिटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस भी किया इस वाले को, ठीक, अभी यही इस चैप्टर में आपका फोकस होगा। देन फिर हमने इसकी विंडो देखी, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर जो आपकी क्विक एक्सेस के लिए आप डिफरेंट शॉर्टकट्स के तौर पे आइटम रख देते हैं, फिर मैंने आपको उस पर बताया भी कि कैसे हम किसी आइटम को ऐड या माइनस करते हैं। देन टाइटल बार क्या होता है कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट उसके ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, जैसे यहां पर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, स्टूडेंट, ये आपको शो ऑफ हो रहा है। रिबन, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, मिनिमाइज एंड रिस्टोर एंड क्लोज बटन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो आप नॉर्मली करते भी हैं जब कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, आप फेमिलियर हैं इसके साथ। स्टेटस बार मैंने आपको यहां पर बताया, ये शो करता है आपको करंट स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट, के पेज नंबर कितना है, पेज के अंदर पेज नंबर कितना है, वर्ड कितने यहां पर, फोर वर्ड है, देखिए 1 2 3 4, तो फोर आइटम हो गए, ठीक। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो व्हाइट स्क्रीन शुरू में नजर आती है, जूम इन जूम आउट मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो ये टोटल आपका कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की विंडो का, ठीक है, कि फ्रंट की विंडो जो है जो आपको अपेयर करते हैं जो वर्ड, व्हेन यू ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट तो फिर ये ओपन होती है। इसको अभी ओपन कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, लैपटॉप्स आपके पास हैं, कंप्यूटर्स आपके पास हैं, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस, आपके पास सारा कुछ है। कंप्यूटर का देखें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको अलग से कोई लैब की जरूरत नहीं है, साइंस के प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है, आपको लैब्स की जरूरत होती है, बट कंप्यूटर में आपके पास इटसेल्फ एक पूरी लैब कंप्यूटर खुद है। तो वर्ल्ड को ओपन करें, इसी तरह ये सारी चीजें अप्लाई करें, देखें जो मैंने बताई है, फिर मैं आपको आगे और भी बताऊंगा, ठीक है।